स्वागत है। आज मैं आपको वो बच्चों के रूम में बुक रखने का एक सेल्फ बनाना सिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही इजी है और ये आपके बच्चे के रूम में आप रखेंगे तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें एक शू बॉक्स चाहिए जो स्क्वायर शेप का होता है, वो वाला। मैंने शू बॉक्स को के सामने के एक पोर्शन को मैंने कट करके मैंने बॉक्स के सामने के पोर्शन को कट करके निकाल दिया है और मैंने इसे एक कवर कर लिया है। आप देख रहे हैं कि आप मैंने इसे कवर कर लिया है। आप चाहे तो अपने पसंद के किसी कोई भी पेपर से आप इसे कवर कर सकते हैं। मैंने इसे चारों तरफ से अच्छे से, आप देख रहे हैं कि मैंने इसे कवर करके रखा है। अब हमें एक इधर भी एक हमें ब्राउन कोट चाहिए, आप देख रहे हैं कि मैंने रखा है। और हमें एक इस तरह प्रकार का टेप चाहिए, हमें एक ब्लैक कलर चाहिए, एक ब्रश चाहिए, पेंसिल चाहिए, फेविकॉल चाहिए और इसी कलर का, सेम कलर का मैंने ये एक और पेपर लेके रखा है, कलर पेपर। चलिए अब हम बताते हैं कि हमें क्या करना है। आप देख रहे हैं कि मैंने इस पर बुक लिख के रखा है। मैंने इस तरह से लिखना है हमें बुक। आप देख लीजिए कि मैंने किस प्रकार से बुक को लिखा है। इस प्रकार से बुक को लिख करके आपको इसे कट करना है। अब हम इसे कट करके ये दोनों को निकालेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि इसे अलग नहीं करना है, हमें इसे साथ में ही पोर्शन को अटैच करके इसे हमें कट करना है। मैं बताती हूँ कि हमें किस प्रकार से इसे कट करना है। देख रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से इसे कट किया है। आपको ऐसे हमें इस तरह के दो कट करने हैं, एक दो बुक के कट करने हैं, दो यहाँ इसका भी कट करना है हमें। अभी हम इसे दो दो पीस और इसका हम कट करेंगे। देख रहे हैं कि मैंने दो दो पीस मैंने दोनों ही काट लिया है। आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपका इस तरीके का है तो आप सीधा करके कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके बैक साइड में इस तरीके का है तो आपको एक सीधा और एक उल्टा करके आपको इसको काटना है। अब मैंने इसमें भी मैंने उल्टे पोजीशन में लेकर के मैंने इसे एक ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसे भी काटना है। अब हम इसे काट करके निकाल लेंगे। देखिए मैंने इसे कलर पेपर में भी काट के रख लिया है। अब हम इसके ऊपर हम इस तरीके से इसे हमें स्टिक करना है। हमें इस तरीके से इसे फोल्ड कर लेना है, फिर हम इसे गम लगा के हम इसके इस पोर्शन को थोड़ा हम यहाँ पे स्टिक कर लेंगे। तरीके से हमें फेविकॉल से इसे चिपका देना है। हम इसे एक एक करके इसे हम पूरा हमें इसी तरीके से स्टिक करना है। हमें इसे थोड़ा सूखने भी देना है। यही ये प्रोसेस हमें दोनों में करना है। हमें इस में भी हमें यही प्रोसेस रिपीट करना है। इस तरीके से हमें दोनों में कर लेना है। अब मैंने इसमें कंप्लीट कर लिया है तो अब हम ये दूसरे वाले पोर्शन में भी हम ये ओके वाले पोर्शन में भी हम इसे यही चीज़ रिपीट करेंगे। अब मैंने इसे चिपका लिया है। ये पूरी तरीके से सूख चुका है। अब इसके ऊपर हम फिर से फेविकॉल लगाएंगे। इस तरीके से हम इसके ऊपर फुल फेविकॉल लगा देंगे। लिया है। अब इसके ऊपर हम इस पार्ट को एकदम बराबर करके, बी के बराबर करके हम इसे इसके ऊपर चिपका देंगे। ये एकदम आपको ध्यान रखना है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए। आप इसे अच्छे से बराबर करके चिपका लीजिए। और अच्छे से ये आपस में चिपक जाना चाहिए। जब ये अच्छे से चिपक जाए तो इसके ऊपर हम ये टेप को ये पोर्शन में हम ये जो खाली पोर्शन है इस पोर्शन में हम ये टेप से चिपकाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से चिपकाया है। इस तरीके से मैंने सारे खाली प्लेस पे मैंने एक ब्राउन सेलो टेप से चिपका दिया है।
इसी प्रकार से आपको भी स्टिक कर देना है। अब इस तरीके से हम सेलो टेप को लेंगे और इसके इस खाली पोर्शन में अच्छे से हम चिपका देंगे इस तरीके से। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसे किस तरीके से चिपकाया, इसी तरीके से आपको पूरे पोर्शन में चिपका लेना है जिस तरीके से मैंने इसे चिपकाया है। आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरीके से किया है, उसी तरीके से आपको चारों तरफ से अच्छे से स्टिक कर लेना है। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इस चारों तरफ से इसे लपेट लिया है। अब हम इसे ब्लैक कलर से पेंट कर लेंगे। हमें पूरा ब्लैक कलर से पूरे को पेंट करना है, इसे हम पूरा ही ब्लैक कलर से पेंट कर लेंगे। अब ड्राई होने के बाद अब हम इसे इस कटे हुए ये पेपर को इसके ऊपर अच्छे से हम चिपका देंगे इस तरीके से। हमें पूरी तरीके से इसे चिपका देना है इसके ऊपर। अब आप देख रहे हैं कि मैंने इसे ब्लैक कलर से कलर भी कर लिया है और साथ में मैंने इसे चिपका भी दिया है आपस में। ये आप देख रहे हैं किस तरीके का है। अब हम इसे आपस में इस तरीके से स्टिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे इसके नीचे के पोर्शन में हम इसे गम लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि मैंने इसे भी ये इसके लेबल में जाकर थोड़ा स्टिक कर दिया है। अब भी ओके, मैंने इसमें यहाँ पे अच्छे से स्टिक कर दिया है। अभी हम इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे। अब आप देख रहे हैं कि ये हमारा बुक सेल्फ तैयार है। अब आप इसी तरीके से छोटे छोटे क्राफ्ट बना के अपने बच्चों के रूम को बहुत ही सुंदर डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।